नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने की डील पूरी कर दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डील पूरी करने के साथ ही मस्क एक्शन में आ गए। उन्होंने कंपनी के भारतीय मूल के CEO पराग अग्रवाल और दो अन्य टॉप अधिकारियों को छुट्टी कर दी है। इनमें कंपनी की पॉलिसी हेड विजया गड्डे और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेट सेगल के नाम शामिल है। इसके साथ ही मस्क और ट्विटर के बीच पिछले कई महीने से चल रहा विवाद भी खत्म हो गया है। मस्क ने ट्विटर खरीदने के लिए $44 अरब का ऑफर दिया था, लेकिन बाद में वह इससे मुकर गए थे। इसके बाद ट्विटर ने उन्हें कोर्ट में घसीट लिया था। अगर मस्क शुक्रवार तक इस डील को आगे नहीं बढ़ाते तो कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाती। टेस्ला के CEO मस्क ने काफी किंतु परंतु के बाद कोर्ट की तय डेडलाइन से पहले ही माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को अधिग्रहण कर लिया है। हालांकि ट्विटर ने अधिकारियों को निकालने जाने के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन मस्क के इस एक्शन से ट्विटर के कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। हालांकि मस्क की ओर से ट्विटर कर्मचारियों से कहा गया है कि वह 75% कर्मचारियों की छटनी नहीं करेंगे। पहले इस तरह की खबरें थी कि मस्क ट्विटर कर्मचारियों को 75% या 5,600 कर्मचारियों को निकाल देंगे। टेक क्रंच की रिपोर्ट के अनुसार मस्क ने बुधवार देर रात ट्विटर मुख्यालय का दौरा किया और कर्मचारियों को साफ कर दिया कि वह इतने लोगों को नौकरी से नहीं निकालेंगे।